देवास में थानों पर पत्रकारों से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इससे पत्रकारों में विरोध है। देवास के यूनाइटेड प्रेस क्लब ने सोनकच्छ थाना प्रभारी से अभद्र व्यवहार किया है, जिसकी शिकायत एसपी को की गई। देवास जिले में सोनकच्छ थाने की टीआई प्रीति बाथरी ने पत्रकारों से अभद्र व्यवहार किया। इसको लेकर यूनाइटेड प्रेस क्लब देवास के द्वारा एसपी को आवेदन दिया गया। पत्रकार अंकित जाजू खबर को लेकर सोनकच्छ थाने पर गए थे। वहां पर थाना प्रभारी के द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया व थाने पर आने की झूठी रिपोर्ट दर्ज करने की धमकी भी दी गई। ऐसा पूर्व में भी थाना प्रभारी कई बार पत्रकारों के साथ कर चुकी हैं। थाना प्रभारी के अभद्र व्यवहार को लेकर यूनाइटेड प्रेस क्लब के द्वारा ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के दौरान बाबू भाटिया, धर्मेंद्र रांगवे, प्रवीण आचार्य, जीवन पांचाल, मुर्तुजा सेफी, जितेंद्र वर्मा, राम मालिया, हर्ष वर्मा, फरीद खान, राकेश निगम, शहजाद कोसर, हिम्मत सिंह आदि पत्रकार उपस्थित थे। शिकायत मेरी ये है कि बीते सोमवार को शाम को जब मैं थाना प्रभारी के पास गया था एक प्रकरण के मामले को लेकर, क्योंकि जो फरियादी पक्ष था वो मेरा बहुत अच्छा परिचित था और उसके द्वारा मुझे बुलाया गया था कि भाई मेरे परिवार के किसी परिचित के साथ ऐसे ऐसे प्रकार की घटना हुई है, चोरी का मामला हुआ है और उसके साथ मारपीट की कोशिश की गई है। इस मामले को लेकर जब मैं थाने पर पहुंचा तो मेरे द्वारा फरियादी से जब प्रश्न पूछा गया कि भाई एक आदमी पकड़ा गया, दूसरा कहाँ है, इस विषय में जब मेरे बारे में इतनी सी बात की गई तो उसके बाद उसने इतनी अभद्रतापूर्वक बात की, साथ ही मुझे बोला कि भाई आप मेरे थाने में आते हैं तो थाने वाले कौन हो, मेरी परमिशन के बगैर कैसे आ गए, तुम पत्रकारों को थाने में आने की परमिशन नहीं है, ये मेरा थाना है। इसके साथ ही उन्होंने बोला कि आप पत्रकार लोग मुँह उठा के चले जाते हो, आपको कोई काम धंधा नहीं है का, इस प्रकार से पत्रकारों को लेके उन्होंने अपशब्द मुझे कहे। किसने कहा है ये? थाना प्रभारी प्रीति बाथरी मैडम। कौन से थाने का मामला है? सोनकच्छ थाने का मामला है। अभी आप एसपी साहब के पास क्या शिकायत लेकर आए? एसपी साहब के पास ये शिकायत लेकर आया हूँ कि इसके पूर्व में भी ऐसी घटनाएं घट चुकी है, नगर की आम जनता भी इससे काफी प्रकार से त्रस्त हो चुकी है, एक अभिभाषक के साथ भी इस प्रकार की अभद्रतापूर्वक घटना हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो नगर की जनता है उसमें किसी प्रकार की ऐसी हानि ना हो, किसी ऐसा प्रकार का अभद्र व्यवहार ना हो, इसके लिए मैं उनके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करने के लिए यहाँ पर इसके साथ के साथ। चूंकि आज के पत्रकार साथी आज मेरे पास, उनका सुबह यूनाइटेड प्रेस क्लब का मैं अध्यक्ष हूँ, इस नाते से फोन आया था कि मेरे साथ सोनकच्छ थाना प्रभारी के द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबकि सख्ती से कहा था कि एक पत्रकार तो ठीक है, काम आदमी भी जाता है तो पहले उसको थाने पर सबसे पहले पानी पिलाया जाएगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा और फिर उससे पूछा जाएगा कि क्यों समस्या पर, किस समस्या को लेकर थाने पर आया। कोई भी व्यक्ति अगर थाने पर जाता है तो वो कोई उसका कुछ मीठा तो ही नहीं, थाने पर जाना कोई भी नहीं चाहता, अगर गया है तो किसी समस्या को लेकर गया है और उसके साथ अगर थाने पर पदस्थ थाना प्रभारी या किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है तो वो एक तरह से गलत है। आज हमारे जाजू भाई के साथ इस तरह का